अब ऐसी खबर जो सचेत करने वाली है। सीमा पार से खबर है कि वहां पर फिर से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जा रही है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के निशाने पर भारतीय नौसेना है। पाकिस्तान में पनप रहा आतंकी संगठन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हर बार भारत पर हमले की नई प्लानिंग बनाता जा रहा है। इस बार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के निशाने पर भारतीय नौसेना है और राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सटी सीमा पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहावलपुर में कई आतंकी कैंप खोले और इन कैंपों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर, रायसिंह नगर और अनूपगढ़ की सीमा के सामने वाले क्षेत्र बहावलपुर में आतंकी कैंप शुरू किए गए हैं। इनमें आतंकियों को समुद्र में नौसेना के ठिकानों पर हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैश ने ट्रेनिंग के लिए तकरीबन 30 आतंकियों को चुना है जिनकी उम्र 20 से 25 साल बताई जा रही है। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद बीएसएफ समेत जिले में तमाम एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद इन आतंकियों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रहा है और ये जमीन के साथ समुद्र में भी हमले को अंजाम दे सकेंगे। खुफिया एजेंसियों ने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट से जैश ए मोहम्मद बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसलिए वो नेवी को टारगेट करने का प्लान बना रहा है। खुफिया एजेंसी को मिली इस सूचना के बाद नौसेना भी हाई अलर्ट पर है। पश्चिमी नौसेना कमान के क्षेत्र में आने वाले ठिकानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा का कहना है कि अलर्ट आने के दौरान या नहीं आने पर भी नौसेना हमेशा ही किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।